हेलो गाइस, मैं हूँ न्यूज़मैन और आज भी मेरे पास यूट्यूब कम्युनिटी से बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो आपको पता ही होगा ईसीएल का फर्स्ट मैच एल्विश यादव वर्सेस फुकरा इंसान की टीम में होने वाला है और फुकरा इंसान की टीम में कुछ IRL अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स हैं। तो ये चीज एल्विश यादव को अनफेयर लगी कि एंटरटेनर्स की जगह कुछ टीम्स ने IRL क्रिकेटर्स को लिया है। आप खुद देखिए एल्विश यादव इनडायरेक्टली फुकरा इंसान की टीम के बारे में क्या कहे। ईसीएल एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग है, तो देखो एंटरटेनर्स के साथ खेलो। कई लोग क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स लेके आ रहे क्रिकेटर के, तो मेरे को सही नहीं लग रहा। बट कोई बात नहीं यार, वो उनकी फेट है, वो हमारा, हमें जीतना होगा, हमारी में तो जीत जाएंगे। इट्स नॉट लाइक यू हो वो ऐसे वैसे, बट इट्स अनफेयर, क्वाइट अनफेयर। पर फिर भी हम ये बोलना चाहेंगे भाई साहब, कोई हो सामने देखी जाएगी। ऑल्सो आपको पता ही होगा जब एल्विश यादव वर्सेस फुकरा इंसान या एल्विश यादव वर्सेस मुनावर फारूकी होता है तो उनके फैंस ट्विटर पर आपस में लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को हेट देने लगते हैं। तो इसी को लेकर एल्विश यादव अपने आज के व्लॉग में अपने फैंस को मैसेज दिए, आप खुद देखिए वो क्या कहे। बस एक चीज मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा भाई, कोई जीते कोई हारे, किसी को हेट नहीं देनी और गाली सुननी भी नहीं अगर कोई गाली दे तो। पर स्टार्टिंग से कुछ नहीं करना, इनिशिएट नहीं करना, मतलब एक्शन में हमारी तरफ से कुछ गलत नहीं होना चाहिए कि हम किसी को ट्रॉल कर रहे हैं या फिर किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रॉलिंग होती है वो धीरे धीरे करके क्या होता है, पर्सनल इशूज बन जाते हैं। कोई भी हो सामने भाई, चाहे मुनावर हो, फुकरा इंसान हो, चाहे हर्ष बेनीवाल हो, चाहे अनुराग हो, सारे अपने भाई हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लीज किसी को हेट नहीं, ये गेम है, स्किल्स का गेम है, तो वहाँ पे जो बढ़िया परफॉर्म करेगा और जीत जाएगा। ऑब्वियसली बात है, इसमें और तो कुछ हो नहीं सकता कि भाई हम किसी को कोसें, अपनी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करके, चाहे हमारी पे चाहे दूसरी टीमों पे, हम जीते हैं वो आ रहे हैं या फिर वो जीते हैं, हमारे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी को हेट नहीं। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव, तो आज एल्विश यादव का बांग्लादेशी हिंदू एंड कोलकाता RG कर केस को लेकर उनके मेन चैनल पर वीडियो आने वाला है, जिसका प्रोमो वो कल पोस्ट कर दिए थे। बहुत सारे लोग मेरे को कह रहे थे एल्विश भाई तो मेन चैनल छोड़ के भाग गया, एल्विश भाई तो रिटायर हो गया, एल्विश भाई सिर्फ ब्लॉग बनाता है, शोज करता है, मेन चैनल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बट नहीं, देखो वी आर बैक। जब भी हमारे देश में कोई बड़ी घटना होती है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग एकदम से पागल हो जाते हैं, मेला लग जाता है। बट थोड़े टाइम बाद आप देखोगे बिल्कुल चीजें गायब हो जाती हैं, जैसे वो चीजें कभी हुई ना हो। बहुत लोग मेरे से पूछेंगे एल्विश भाई आप इतनी लेट क्यों इस टॉपिक पे वीडियो निकाल रहे हो। मैं इसकी वजह से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसको दोबारा गर्म करने की जरूरत है। सो अब तक उनका वीडियो आ चुका होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। सो अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन करने वाले से माफी मंगवाई। यस गाइस, आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट को अचानक से बैन कर दिया जाता है और करने वाले और कोई नहीं टीनेजर्स होते हैं जो कि मजे के लिए या पैसे के लिए प्लगिंग करते हैं। वैसा ही रजत दलाल के साथ काफी टाइम से हो रहा था। उनका ट्रेंड बाई रजत पेज भी एक पेब्लो नाम के बंदे ने बैन किया था। हालांकि पेब्लो की सारी इन्फॉर्मेशन रजत दलाल को मिल गई थी। रजत दलाल एक के बाद एक स्टोरी डालकर अपडेट किए थे। वो पहली स्टोरी में लिखे ये अकाउंट उड़ाया था इसने कुछ दिन पहले। फिर उस बंदे ने रजत दलाल से अपोलोजाइज किया, उसने लिखा मुझसे गलती हो गई आपका बैन करके, किसी की बातों में आकर बैन कर दिया था मैंने, मेरी इस गलती के लिए माफ कर दो। जिस पे रजत दलाल लिखे लोकेशन वर्क्स। एंड अगली स्टोरी में क्या कहे थे आप खुद देखिए। भाई जो ये छोटे छोटे 18-19 साल के बच्चे, कोई तरीका मिल जाता है इम्पर्सनाइजेशन करने का, या राइट मैनेजर में जाके किसी की वीडियो वहां पे जाके डाल के उस पे स्ट्राइक लगाने का कॉपीराइट का, ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, इन्हें करना छोड़ दो। क्योंकि फिलहाल तक तो मैंने कोई एक्शन लिया नहीं है किसी पे, अगर इस पे लीगल एक्शन हो गया तो तुम बहुत अच्छे अंदर फंस सकते हो, अच्छी खासी जिंदगी है उसे बना लो, इन सब चीजों में मत करो। क्योंकि हमें भी पता है छोटी गलतियां कितनी भारी पड़ती है, हम जेल चुके हैं, हम नहीं चाहते हमारे छोटे भाई जेले। तो अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, इन सब फालतू चीजों में ध्यान दो। अकाउंट किसी का नहीं जाता, सबके वापस आ जाते हैं बिना बात में। 10 में से अगर कोई एक आदमी गलत अटक गया और उसने अच्छा सा केस कर दिया तो तुम भी बैठे रहोगे, तुम्हारे घर वाले भी दुखी होंगे। तो ये चीजों में कुछ नहीं रखा, ख्याल रखो। जिसके बाद वो बंदा और भी इन्फ्लुएंसर्स को धमकी देते हुए दिखाई दिया। तो इस पे रजत दलाल लिखे अच्छा जी। देन रजत दलाल उस बंदे का लोकेशन पोस्ट करते हुए लिखे बहुत इन्फ्लुएंसर्स से ये सॉरी बुलवाता था, अर्पित वाला से भी बुलवा रहा था, लो लोकेशन इसकी। साथ ही अगली स्टोरी में वो उस बंदे की चैट शेयर किए जो उनका पुराना वाला अकाउंट बैन किया था। वो लिखे 2 मिनट में रोने भी लग जाते हो पकड़े जाने पे। जिसके बाद अभी रजत दलाल लाइव आए थे, वहाँ वो उनके अकाउंट्स को बैन करने वाले से माफी मंगवाए, आपको देखिए वो क्या कहे। तो रिसेंटली सबने नोट करा होगा कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट उड़ने लग गए हैं कुछ लोगों के। खैर वो रिस्टोर हो जाते हैं, पर एक कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए परेशानी होती है सामने वाले को जिसका अकाउंट उड़ता है। तो बहुत सारे प्लगर हैं हमारे दिल्ली के, वो तो चौकी के दर्शन देख चुके हैं। एक हमारा भाई था पाब्लो, जिसने अर्पित वाला से पब्लिकली सॉरी बुलवाया था, और रिसेंटली नकुल ढुल की 6-7 वीडियोस स्टोरी वाली उड़वा दी। कैसे उड़वाई थी वो जाने। तो उसका चिट्टा पट्टा खोला है कहाँ से है कौन है। साथ साथ जब मैंने इसको रीच आउट करने की बात करी तो गाली लिख के बोल रहा है जब बोल दिया उसको बात कर ले। कल जो मैंने लोकेशन डाली थी वो एग्जैक्ट इसके घर की नहीं थी, इसके घर के पास की थी, ताकि इसको कोई हार्म ना हो, कोई इसको चोट ना पहुंचा दे। मेरे को किसी से कोई बैर नहीं रखना, किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, पर खाली एक तुम्हें जो प्लगर हैं जितने भी हैं
उनको एक स्टेटमेंट देनी है कि भाई तुम अपने हिसाब से रहो, क्योंकि तुम इनविंसिबल नहीं हो, तुम भी फंस सकते हो, तुम भी पकड़े जा सकते हो। तो इसको ऐड कर रहा हूँ, एक सेकंड दिखा के बात कर भाई, शर्मा मत। हेलो, हाथ हटा ले, हाथ हटा ले, हिसाब से बात। कोई कोई यहाँ से लड़ाई झगड़ा नहीं होना तेरा। तेरी एज क्या है भाई? जी मेरी 18। 18 क्रॉस हो चुकी है? अभी हुई है बस। हो गई, 18 हो चुका ना? हाँ, तो ये माइनर नहीं है, ये बंदा हमारा अडल्ट है। पाब्लो क्या करता है भाई तू? मैं प्लगिंग का काम करता हूँ, दूसरों की आईडी बैन करता हूँ। क्यों करता है भाई? मजे के लिए। मेरे को एक चीज बता, अगर किसी को 10 साल 11 साल एक अकाउंट बनाने में लगे हैं, तुम वो अपनी छोटी सी हवाबाजी के चक्कर में अकाउंट उड़ा दो। तेरे पापा 10-11 साल पैसे जोड़ के घर बनाए और पता लगे वो जमीन ही किसी और की है, कैसा लगेगा? अरे मेरे भाई बात कर रहा हूँ तेरे से। मेरे को बता इसका समाधान क्या है भाई? बस करना बंद कर दो। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ये सब बंद कर दीजिए आप लोग। तेरे को क्या लग रहा था तू पकड़ा नहीं जाएगा? लग तो रहा था नहीं पकड़ा जाएगा। कितने साल से कर रहा हूँ? मैं 2 साल हो गए मेरे को। 2 साल में तेरा किसी को अता पता नहीं लगा तू कौन है? कितनी प्यारी स्माइल है ना, 2 साल से मौज ले रहा है। किस किस से सॉरी बुलवाई है? अरे मैं तेरे से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, कुछ उल्टा भी नहीं बोल रहा। अर्पित, अर्पित वाला से कैसे बुलवाई? दो तीन यूट्यूबर है छोटे। अर्पित वाला से कैसे बुलवाई? उसकी अकाउंट उड़ा उड़ा के बार बार से स्टोरी पे लगाता था। एक बार ही हाथ जोड़ के अर्पित भाई को सॉरी बोल दे। अर्पित भाई सॉरी, मैंने आपका अकाउंट बैन किया था। प्यार से बड़े हैं ना। अर्पित भाई सॉरी, मैंने आपका अकाउंट बैन किया था इसलिए। भाई शक्ल नहीं दिख रही ग्रुप से भी। शक्ल नहीं दिख रही इसमें मेरे प्यारे भाई। अर्पित वाला सॉरी, मैंने आपका अकाउंट उड़ाया था उसके लिए। और मिट्टू ग्रुप से भी मैं सॉरी बोलना चाहूंगा उनके चैनल को स्ट्राइक मारने के लिए, और आपको गाली दी थी उसके लिए भी। अच्छा, जल्दी ये लिख रहा था, एक बंदे ने इसको बोला कि रजत तेरा नंबर निकाल लेगा, तो अपनी टेलीग्राम आईडी लिख के भाई बोलता है, बोल दे उस डैश को। देखो भाई फिर सब बोलते हैं कि रजत दलाल उल्टे सीधे काम करता है, पर कोई दूसरी साइड नहीं देखता कि लोग प्रोवोक किस हिसाब से करते हैं। करने में मैं इसका बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसके घर का एड्रेस, चैट, सिम नंबर, फोन नंबर, इसका नहीं बाकियों का भी है मेरे पास। पर मेरे को देखो कुछ ऐसा नहीं करना कि किसी एक गलती के चक्कर में कोई भुगतान करे या किसी की लाइफ के कुछ टाइम खराब हो। ना तो मेरे को किसी को कोई ट्रॉमा में डालना है, ना दुखी करना है। मैं इस लड़के को भी अब इसके बाद कुछ नहीं कहने वाला, बस उम्मीद करता हूँ तू ये सब चीजें छोड़ दे। और भाई जितने भी प्लगर है ना, ये 16-17 साल के बच्चे, तुम में दिमाग नाम की ना चीज नहीं है। तुम्हारे छोटे से मजे के चक्कर में, चलो मेरे पास मेटा में जान पहचान है, मेरे पास पैसा है, मैं लगा के मेरा अकाउंट रिवाइव करा सकता हूँ। हर बंदे के पास नहीं होते कनेक्शन, हर बंदे के पास नहीं होते। कितने लोगों के अकाउंट वापिस नहीं आते। तो ये चीजें छोड़ दो और थोड़े औकात में रहना स्टार्ट करो। ये बहुत प्यार से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर भी बोझ है, वरना मैं अलग ढंग से बताता, तुम्हें भी बताए, मुझे भी बताए। और एक ये टीम कॉर्न करके है ना, एक दो दिन में तुम्हारा भी सफाया कर दूंगा, सबर रखो। बहुत तो चल रहे हो ना। लोकेशन तेरे घर की तो नहीं थी? सीते नहीं, नहीं। इसके घर के पास की थी, इसके घर की नहीं थी, ताकि इसको कोई इशू ना हो। तो आज के लिए इतना है, रिक्वेस्ट है छोटी सी सारे प्लगर से कि भाई कोई बहुत मेहनत कर करके अकाउंट बनाते हैं, अपनी छोटी सी हवाबाजी के चक्कर में किसी को दुखी मत करो। मेरा, मेरे आसपास वाले किसी का हुआ, ये बहुत प्यार से पहली और आखिरी बार है। अगली बार सीधे थाने में बैठोगे तुम, कंप्लेंट टलेगी, तुम्हारे माँ बाप आएंगे, लाइव होगा, बदनामी होगी। सोच समझ के करना, अगर तुम्हारी इतनी औकात हो ना कि तुम झेल सको तो ही हाथ डालना, वरना वो हाथ नीचे से अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, चल छोटू, ख्याल रख, तेरे से कोई दिक्कत नहीं, तू अपने मौज ले। और तेरा अकाउंट को क्या हो गया? डिलीट कर दिया वो, उड़ा दिया। फटी फटी में ऐसा ही होता है। सो गाइस, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।